मोरबी में कॉस्मेटिक आइटम ना व्यापार करता हिरेन मनसुख भाई पटेले रिलायंस मॉल ना मैनेजर समय सिंह ने समयांतरे 7,35,000 मॉल माथी खरीदी करवा अपेल हता, परंतु माल नहीं मरता समय सिंह पैसा चाऊ करी देवा माटे त्रागु करी हतु अने दवा पी लीधी हती। आ साथे दवा पी लीधी हती जमा आ 17,35,000 नी छेतरपिंडी करी होय ते बाबते फरियाद नोधावता हिरेन भाई मनसुख भाई पटेले डिविजन पोलिस पंथक मा गयेला त्यारे फरज उपर ना पीआई તેમની સાથે હળધૂત વર્તન કરીને તેમની જ્ઞાતિ વિશે ધસાતું બોલેલા બે બાબતની જાણ પાટીદાર સમાજને થતા સમાજમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો અને સાંજના સમયે 300થી વધુ પાટીદાર સમાજના યુવાનો એકત્ર થઈને પ્રથમ જિલ્લા સેવા સદનમાં કલેક્ટર એન કે મુચ્છારને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું। ત્યારબાદ એએસપી અતુલકુમાર બંસલને પણ આવેદનપત્ર આપી ન્યાયની માંગણી કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તમામ યુવાનોએ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં એકત્ર થયા હતા અને ફરિયાદ ન નોંધાય ત્યાં સુધી ત્યાં જ બેસવાનો નિર્ણય કર્યો હતો। पत्र दिया है, उसमें उनका यह आक्षेप है कि उनके एक व्यापारी के साथ छेतरपिंडी हुई है और इस छेतरपिंडी के ऊपर पुलिस ने समय सर एक्शन नहीं लिया। इसके ऊपर आज रोज ये आवेदन पत्र दिया गया है जिसके ऊपर पुलिस अभी तुरंत इस पर तपास शुरू करके इनके साथ क्या बनाव बना है और क्या कारणों सर इस पर त्वरित एक्शन नहीं हुआ इस चीज़ में कड़ाई की जाएगी। खासकर उसने जो ए डिवीजन के पी आई के बारे में बोला है वो क्या रजूआत है उसकी और ए डिवीजन के पी आई ने उसके साथ क्या किया था? उनका ये कहना है कि ए डिवीजन पुलिस थाने में जब वो गए तो जी जी आपने नहीं है मड़ो सिरामिक सिटी तरीके प्रचलित छे अने मोरबी शहर में वस्तो मोटो बहु संख्य समाज पाटीदार समाज छे ए डिवीजन नी अंदर बैठा होय अने पटेल समाज ना कोई व्यापारी साथे चीटिंग थी होय त्यारे आखा समाज ने अभद्र भाषा नु वर्तन करवु अने गैर वर्तणूक करी अने फरियाद दाखल नहीं करी એટલા માટે અમે લોકો એસપી સાહેબ પાસે આવ્યા છીએ। ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે ગુજરાતના પંચાયત મંત્રીના પંડ્યા સાહેબ ઉપર આશીર્વાદ